स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स। द चैप्टर नेम इज गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, द नीड फॉर ए गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स मेकिंग लॉ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट द पीपुल, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, सोशल जस्टिस, रेस्क्यू रिलीफ ड्यूरिंग natural disaster times, level of government, types of government, as well as we discuss about the democratic rights and democracy, and as well as discuss the different movement, democratic related democratic rights movement. कहने का मतलब ये जो chapter 3 है, जो civics का part है, और इस चैप्टर में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है जिस पर हम लोग गवर्नमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और अदर जो डिफरेंट मूवमेंट हुए हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर जो मूवमेंट हुए हैं, उस पर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टूडेंट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, यू वुड हैव हेयर द वर्ड गवर्नमेंट बींग यूज बाई एवरी वन अराउंड यू इफ दे रोड्स स्पीड्स एंड होल्स पीपुल से द गवर्नमेंट डिड नॉट रिपेयर इट्स एंड वेन द पावर गोज ऑफ दे से द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनफ इलेक्ट्रिसिटी वेन देयर इज टू मच हीट और कोल्ड योर टीचर से दैट गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। कहने का मतलब इन डेली लाइफ में हम लोग आए दिन जब कहीं बाहर जाते हैं या अपने आसपास देखते हैं तो कहीं सड़क टूटी हुई होती है, साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे नहीं आ रही है, तो जनरली ये सुनने को मिलता है कि सरकार जो है ये काम नहीं कर रही है, सरकार ने इस रोड को कॉम्प्लीट नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, या इलेक्ट्रिसिटी है जो वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, या अदर जो भी रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं और ये पूछते हैं कि सरकार ने ये काम नहीं किया या क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से ये हम लोग आसपास या डेली लाइफ में एक हमारे एक तरह से देखा जाए तो हम लोग एक इसको फेस करते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जब कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब गवर्नमेंट छुट्टी का भी अलाउंस करती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, अब देखा जाए द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु मेक द रूल्स एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड प्रॉपरली इज नोन एज द गवर्नमेंट। देखा जाए तो ये जो है पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वन पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो कि रूल एंड रेगुलेशन को बनाते हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि लोग उसको प्रॉपरली उसको फॉलो करें और ये पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, इसको गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। देन स्टूडेंट कम से कम इतना तो क्लियर हुआ होगा कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक तरह से देखा है जो हमारी बेसिक नीड्स है, हमारी जो जिसको लिए एक सिस्टम चाहिए होती है, एक रूल एंड रेगुलेशन चाहिए होती है जिसको कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरे रूप में हम लोग कोई और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इसको और इजी से, जैसे देयर आर टू अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट इज, लेट अस फर्स्ट सी एन एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ अराउंड यू। यू कैन कम टू स्कूल एंड देयर इज अ सेवरल रूल एंड रेगुलेशन नीड टू फॉलो द स्कूल लाइक टाइमिंग, यूनिफॉर्म, टाइम टेबल, स्कूल बुक्स, डायरी एटीसी। दिस मे बी इन्फॉर्म टू यू बाय द टीचर्स बट द रूल्स वे आर मेड बाय समवन एल्स। कहने का मतलब हम लोग डेली लाइफ की हम लोग जब बात किए तो हम लोग डेली स्कूल भी जाते हैं और एक तरह से देखते हैं कि उसमें कुछ सम रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है, और जैसे कि स्कूल टाइमिंग है, यूनिफॉर्म है, टाइम टेबल है, और ये डिफरेंट और भी रूल एंड रेगुलेशन। पर देखा जाए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको टीचर के थ्रू हमको मिलता है, पर देखा जाए एक्चुअली जो रूल एंड रेगुलेशन क्या है कोई और बनाते हैं। इवन द टीचर इज रिक्वायर्ड टू कम टू स्कूल बाय द टाइमिंग बट इज नॉट जस्ट मेकिंग रूल्स, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब पर लागू होते हैं। आप रूल एंड रेगुलेशन के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी प्रॉपरली इफ द बिल्डिंग वाज लीकिंग,
Fans were not working, water was not available in the cooler or taps, the decks and chair were broken and buses did not come on time. Any different other problem यदि create हो जाता है, especially यदि हम देखेंगे buildings सही नहीं है या fans की problems है या suppose that water problems है या आपका seating problems है, bus problems है, तो क्या आपका जो education है वो बेहतर हो पाएगा? No. That's why that if anyone these things was not happening properly in school would have been difficult to study and all the expected listed above of important parts of administration in a setup by where people come together to life study work and others. कहने का मतलब देखा जाए रूल एंड रेगुलेशन तो बनते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, साथ साथ जो हमारी जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें देखा जाए तो हमारे बिल्डिंग्स हैं, बस हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है एंड अदर्स. तो इन सबको जो प्रोवाइड करते हैं इसको कौन करते हैं? इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा इसको, पर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करते हैं, एक तरह से रूल एंड रेगुलेशन के साथ साथ हमको एक प्रॉपर सिस्टम देती है, एक प्रॉपर फैसिलिटीज देती है जिससे कि हमारी जो पढ़ाई है वो बेहतर हो सके. सेम यही बात यदि स्टूडेंट हम लोग अपने आसपास देखें या अपने फैमिली से या अपने कंट्री पर यदि लागू करते हैं इस बात को, तो वहां भी यही बात लागू होती है, और उसको कंट्री को भी पूरे चलाने के लिए एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, एक रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए और अदर फैसिलिटीज होने चाहिए जिससे कि लोग अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके. और ये जो सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं उस इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट कहा जाता है. जैसे यहां दे रहा है द गवर्नमेंट मीन्स ए बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल विच टेक एन डिसीजन अबाउट हाउ टू मैनेज द अफेयर ऑफ द कंट्री. यदि हम लोग यहाँ सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं कि गवर्नमेंट मीन्स ए बॉडी इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी गवर्नमेंट एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी बॉडीज है जो कि एक वन पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू चलता है, जो कि वो डिसीजन लेते हैं और अदर जो चीजें हैं, अदर जो इंपॉर्टेंस जो फैसिलिटीज की बनो यदि बात करते हैं तो उसको प्रोवाइड करते हैं और कंट्री के लिए बेटर डिसीजन लेते हैं. ये पूरी जो इंस्टीट्यूशन है इसको गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है. लाइक द हेड ऑफ फैमिलीज द गवर्नमेंट इज हेड ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री. यानी सेम लाइक इज द, मैंने पहले ही कहा, जैसे कि हमारे फैमिली में एक सिस्टम होता है जिसको कि जो डिसीजन मेकिंग होते हैं हमारे सीनियर्स और साथ साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, सेम लाइक इज द हेड ऑफ फैमिली एंड सेम लाइक इज द, वैसे ही देखा जाए तो हेड ऑफ कंट्री, यानी कंट्री में भी एक ऐसी बॉडीज होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है और लोग होते हैं जिसमें कि वो कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं और पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, जो पूरे की जो पूरी जो व्यवस्था जिसको कह सकते हैं वो जो प्रोवाइड किया जाता है उसको गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है. आई होप सो स्टूडेंट यू ऑल्सो हैव क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर दो डिफिनेशन मैंने आपको दिया है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, इसको लर्न कीजिएगा और साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है द नीड्स फॉर ए गवर्नमेंट, यानी एक तरह से देखा जाए तो अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट को हमको क्यों जरूरत है. कहने का मतलब कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए, कि क्वेश्चनिंग के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वन एग्जाम्पल द इमेजिन योर वन क्लास Without a teacher to control you, you will start playing, eating, shouting, sleeping, singing, going out the to the playground and roaming about in the school. कहने का मतलब यदि आप एक क्लासरूम की यदि आप कल्पना करते हैं उसके बारे में सोचते हैं जहां पर टीचर ना हो तो क्या होगा, क्लास पूरी इनडिसिप्लिन हो जाएगी और वो एक तरह से कहीं घूमना और कोई कुछ करेंगे कोई कुछ करेंगे, तो जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन नहीं हो पाएगा. सेम लाइक इज द इट वुड बी ए टोटल मिस, यानी एवरी पर्सन प्रॉब्लम्स नीड्स एक्सप्रेशंस एंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर्स. और देखा जाए यदि यही बात किसी कंट्री पर लागू करें, क्योंकि एक क्लास में कितने लोग होते हैं, क्लास में सपोज दैट स्टूडेंट आपके 40-30, बट ये देखा जाए इतने बड़े पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ द मैनेज द ह्यूज पॉपुलेशन मास पॉपुलेशन. दैट्स Why we need the government,
यानी देखा जाए जो इतने हमारे जो डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटीज है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस भी किए थे डाइवर्सिटीज के बारे में. सपोज दैट इंडिया लाइक, और वहां पर देखेंगे इतने ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, इतने ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके नीड्स भी डिफरेंट हैं. तो इसको कौन मैनेज करेगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको गवर्नमेंट चाहिए, और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर रनिंग सक्सेसफुली एनी कंट्री, दैट नीड्स गवर्नमेंट. देन स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड द नीड फॉर ए गवर्नमेंट. नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर टॉपिक. देन इन विथ दिस वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज पोर्शंस. एक्सरसाइज पोर्शंस मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम, डू कम्प्लीट एंड सबमिट. देन थैंक यू.